एल प्रिमो, जो कि सबसे पहले ब्रॉल स्टार्स में देखा गया था, एक बहुत ही ताकतवर ब्रॉलर है जो अपनी ताकतवर मुक्कों से हर एक चीज को तबाह कर सकता है। एल प्रिमो एक आम फाइटर था जो ब्रॉल टाउन में रहता था, पर एक दिन सब बदल गया जब अंतरिक्ष से एक मिट्योर आकर एल प्राइमो से टकराया और उसने उसे अलौकिक शक्ति दे दी जिसका कोई मुकाबला नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि एल प्राइमो ब्रॉल स्टार्स में कैसे आया, पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एल प्राइमो ब्रॉल स्टार्स से कुछ दिन के लिए क्लैश विलेज में आया और जिसके कारण उसके लिए वॉन्टेड के पोस्टर लगा दिए गए। आइए जानते हैं एल प्राइमो के बारे में, स्टोरी ऑफ एल प्राइमो में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये बात है उस समय की जब एल प्राइमो में कोई खास शक्ति नहीं थी और वो आम ट्रूप था ब्रॉल टाउन में। एल प्राइमो ब्रॉलर बनने से पहले एक रेसलर था जो अपने जुड़वा भाई, जिसे हम स्ट्रॉन्ग मैन के नाम से जानते हैं, उसके साथ रहता था। ये दोनों भाई अपने नीले से कार्बन में बैठकर जगह जगह जाकर अपना शो करते थे। स्ट्रॉन्ग मैन को हमेशा से कंपटीशन करवाने का बहुत शौक था और वो जहाँ पर भी जाता वहीं लोगों की भीड़ लग जाती थी, और स्ट्रॉन्ग मैन हमेशा से ही बहुत ताकतवर था। पर एक दिन ब्रॉल टाउन में सब बदल गया। स्ट्रॉन्ग मैन हमेशा की ही तरह अपना शो करने के लिए जा रहा था, पर इस बार एल प्राइमो उसके साथ नहीं गया और ब्रॉल टाउन में ही रुक गया। इसलिए स्ट्रॉन्ग मैन अकेला ही चला गया क्लैश विलेज में। और जब स्ट्रॉन्ग मैन क्लैश विलेज में गया था, पीछे से एक मीटियर आकर ब्रॉल टाउन में गिरा। हम इस मीटियर के बारे में और स्टोरी ऑफ ब्रॉल स्टार्स में जानेंगे। जब वो मीटियर नीचे गिरा, उसका एक हिस्सा जाकर एल प्राइमो से टकराया। उस मीटियर के हिस्से ने उसे शक्तिशाली तो बना दिया था, पर उस शक्ति की एल प्राइमो को कीमत चुकानी पड़ी। मीटियर टकराने के कारण उसकी याददाश्त चली गई, और जब स्ट्रॉन्ग मैन वापस ब्रॉल टाउन में आया, एल प्राइमो ने उसे नहीं पहचाना। और ब्रॉल टाउन में कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले था, वहाँ पर सब बदल गया था और सब वहाँ पे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। एल प्राइमो की याददाश्त पूरी तरह नहीं गई थी, पर कमजोर याददाश्त के कारण वो कभी कभी चीजों को लेकर भूल जाता था, और ब्रॉल टाउन के शेरिफ हमेशा उसे ढूंढ रहे होते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि एल प्राइमो ने उन्हें चोरी कर लिया होगा। स्ट्रॉन्ग मैन जब भी ब्रॉल टाउन में जाता था, वो एल प्राइमो को बताता था कि वो कौन है। पर एक दिन स्ट्रॉन्ग मैन एल प्राइमो को ये रोज रोज बताकर तंग आ गया, इसलिए उसने फैसला लिया कि वो एल प्राइमो को क्लैश विलेज में भेज देगा। वो जानता था कि वहाँ पर किंग उसे लड़ाई में ले लेगा, क्योंकि वो एक जैसे दिखते थे तो किंग को लगेगा कि वो मैं ही हूँ। और अगर वो पूछेगा कि मैंने मास्क क्यों पहना है, तो मैं उसे बता दूंगा कि मैं मास्क पहनकर ही फाइट करता हूँ ताकि किसी को पता नहीं चले। इसके बाद स्ट्रॉन्ग मैन ने एल प्राइमो को क्लैश विलेज में भेज दिया। एल प्राइमो जब क्लैश विलेज में पहुंचा, उसने अपनी कमाल की ताकत से सबको अपना फैन बना लिया। पर स्ट्रॉन्ग मैन की ये कोशिश ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद एल प्राइमो को फिर से सब कुछ भूल गया। इसलिए कुछ दिनों के बाद स्ट्रॉन्ग मैन जब वापस ब्रॉल टाउन में गया, वो एल प्राइमो को अपने साथ ले गया। तो ये थी कहानी एल प्राइमो की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, और जाने से पहले कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, आइस कॉलम, ब्रॉल स्टार्स की या फिर किसी और चीज की। तो ये इस साल की आखिरी वीडियो होगी। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। तो फिर मिलते हैं अगले साल और मजेदार कहानियों के साथ। देखने के लिए शुक्रिया।